फ्रैंकी स्कोर की ओर अगर बढ़ जाएंगे तो समांतर हो जाएंगे। अच्छी बचाओ तो नीचे पड़े टीकाक जी, जिस अंदाज में दोनों टीम के खिलाड़ी का प्रदर्शन हमारे से टूर्नामेंट अब तक देखने को मिल रहा है, नीचे पर जो खेलों का बहुत ही कमाल का होगा। ये मैच रहेगा आपका ग्रुप सी का, थर्ड राउंड का प्रथम मैच, जिनकी अगर बात की जाए तो काफी गुटू एफ सी ब्लू कलर की जर्सी में काफी गुटी एफसी जिनकी जर्सी पोशाक हम देखेंगे तो ब्लू एंड व्हाइट, और उसी प्रकार से देखा जाए जो कि चैमस एफसी रेड ब्लैक कलर की जर्सी में, और इस मैच में देखते हैं कौन सा टीम जीतेगी। ये दो मैच जीत जाएंगे कम से कम 10,000 रुपया अपना टीम के लिए हकदार हो जाएंगे, क्या कत्ती गुटू या चैमस एफसी, तो देखते हैं इस दरमियान जैसे बटेन अच्छा कंट्रोल करते हुए गेंद को, और गेंद अभी भी अपने नियंत्रण रखे हुए जैसे चार के पास गेंद कत्ती गुटू खिलाड़ी की दमदार बाहर पहले के वहां पर जैसे बच्चू रूप नारायण की अच्छी ब्लॉक जी। जहां तक कार्तिक गुटूर टीम के मैनेजर ने जानकारी दी है कि कार्तिक गुटूर टीम में एक ही गांव के खिलाड़ी मौजूद है, एक ही गांव के खिलाड़ी मौजूद है, तो एकजुटता होकर इसी बड़ी टूर्नामेंट में एक साहस को दिखाए और जीत करके इस मुकाम तक पहुंचे। वही चैमस टीम के लिए जहां तक बात करिए अलग अलग क्लब के खिलाड़ी टीम में जुड़ा हुआ है, और सभी साथ लड़के हमारे जिनमें टाटा कॉलेज चैमसा टीम से बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं, उस तरह का खिलाड़ी भी टीम में जुड़ा हुआ है, दोनों टीम में मजबूत दमदार खिलाड़ी के समावेश है, तो खेल बहुत ही दमदार होंगे, जीत किन होंगे कहना बहुत ही मुश्किल होंगे। तो जहां तक टीका जी जिस अंदाज में पर कार्तिक गुटू ने भी टीम को सजाए, टीम में कुछ उम्रदराज खिलाड़ी और ज्यादा से ज्यादा युवा खेलों पर भरोसा जाता है, चैमसा एफसी की बात की जाए टीम के मैनेजर ने चुन चुन कर खेड़े को टीम में शामिल किए, स्टार की भर मार है, लेकिन दोनों टीम के स्टार खेड़े को इस मैच के दौरान चमकने और दमक करने की आवश्यकता होगा, यानी बेहतर खेल को दिखाना होगा। और दो टीम के लिए बारह मैच होने का नॉकआउट टूर्नामेंट का पहली बात सबको पता है कि एक बार अगर इस टूर्नामेंट से बाहर तो सीधी तरह से अगला साल का इंतजार करना पड़ेगा, तो यहाँ पर दोनों टीमें जुआबार के खेल को लेकर यहाँ पर बताया दोनों टीमें काफी कुछ एफसी आते हुए चैमस एफसी और काफी कुछ जिनके और आप जिक्र करते हैं कि मुंडा का प्लेयर यहाँ पर खेल रहे हैं तेरे पास है धन्यवाद रहेगा। अभी भी डोगा के बाद रोकने के लिए और अभी भी गेंद अपने नियंत्रण रखा हुआ डोगा अच्छा कंट्रोल के साथ के प्रयास और जाने जाते हैं ड्रिबल करने के लिए, लेकिन यहाँ पर राम सिंह को भेज नहीं पाए, दो दिन खाए कि यहाँ पर ड्रिबल करके गेंद को ले गया था आगे, लेकिन राम सिंह कमाल का यहाँ पर कोवर देते हुए गेंद को निकाला, सीधा जो खतरा बन रहे थे उस खतरा को क्लियर करता हुआ लंबा किक रहा, लेकिन सीधा दोनों को के पास गोलकीपर लाल आखिर आकर अपना चनोको के लिए ही थ्रो कर दिए, और चनोको गेंद रिसीव करने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ने के प्रयास अनूप को के लिए, और अनूप को अपने यहाँ पर आगे बढ़ाता हुआ गेंद को, और अनूप यहाँ पर अभ्यास के लिए वो अभिनाश गेंद कंट्रोल करता है जो कि टाटा कॉलेज के प्रोडक्ट अभिनाश गॉड के रूप में जाने जाते हैं, और राम सिंह के लिए और राम सिंह ने गेंद को होल्ड करता एक पास दुलुक ढूंढा हुआ गेंद, और दुलुक अगर देखा जाए तो आज के दिन में स्कोर करते हुए देखा गया है, और ये विक्की थोड़ा सा हटाते हुए दुलुक को ढूंढने के प्रयास किए थे, लेकिन दुलुक जब तक गेंद को रिसीव करते हैं उनसे पहले विक्की विक्की ने गेंद को रिलीज तो किए थे, लेकिन सही सलामत दुलुक तक नहीं पहुंच पाए गेंद, और मेहनत काफी अच्छा है इसलिए तो कहते हैं बंद बंद से घड़ा बढ़ता है,
और मेहनत करने वालों का हार नहीं होता। तो देखते हैं यहाँ पर इस मैच में क्या होती है। जस्ट नंबर 11 अमन ने उनकी जर्सी पोशाक में यहाँ पर अमन लिखा, तो सर अमन नहीं होगी, अमन ही है। और अमन के पास अभी भी अमन डोगा के लिए, डोगा ने राइफल के लिए, और राइफल पूरा डोगा को ढूंढा हुआ है। और कमाल का यहाँ पर प्लेसमेंट है, पूरा खेलता अपने नियंत्रण में अपनी शुरुआत करते हुए सुंदर प्लेसमेंट। लोगों का ग्राई के पास लोगों का अपना अमन को ढूंढता हुआ, लेकिन अभी मुश्किल यहाँ पर अभी उनके एंकल में चोट आई हुई है और काफी मुश्किल के कगार पर यहाँ पर उनके एंकल में मतलब एंकल में चोट आई हुई हुई। अब देखते हैं यहाँ पर ससुरा अगर बात की जा सके चर्चित रेफरी के साथ साथ इस प्रकार की खिलाड़ी की चोट छठी उनके बारे में वो समझ जाते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार से ये ठीक होगा और किस प्रकार से ठीक कराया जाए। उसका नाम ग्रुप का ग्रुप चैंपियन सिंहभूम से, ग्रुप बी का ग्रुप चैंपियन कोल्हान टाइगर। अब देखते हैं आज ग्रुप सी का ग्रुप चैंपियन कौन सा टीम बनता है, क्योंकि इस मैच के बाद एक मैच खेला जाएगा आजाद एशियन क्लब सालीपुर और उनके विपक्ष में रहेंगे टीम में सर जॉनसन। आप अपने खिलाड़ी को पसंद कर लेंगे और यहाँ पर अभिनाश थोड़ा सा मुश्किल में उनको कुछ सेकंड के लिए बाहर जाना होगा और दूसरे मैच के लिए होगी तभी उनको ग्राउंड के अंदर लाया जाएगा। ट्रॉपर के जरिए मैच का रिस्टार्ट किया जाएगा और इस दरमियान रिजर्व बॉल दे चुके हैं सुंदर थ्रो दस नंबर 10 के लिए अच्छे मौका अभी भी गेंद को होल्ड करता हूं। दस नंबर 10 जो कि फादरी पूर्ति और फादरी पूर्ति ने गेंद को अधिक समय तक नियंत्रण रख नहीं पाए। थ्रो इन करता हूं यहाँ पर चार और चार ने भी यहाँ पर बाहर कर बैठे हैं। ठीक है और 13 नंबर का अगर देखा जाए और इस दरमियान पूरा यहाँ पर सेंटर रेफरी के सिग्नल देते हुए पूरा ड्रॉप बॉल कमाल का मैच फर्स्ट हाफ का मैच चलता हुआ दोनों टीम के बीच में अगर देखा जाए अभी तक स्कोर शून्य शून्य की स्थिति में होगा। जैसे घबराते हुए हल्का सी गेंद को होल्ड करता हुआ एक पास सभी प्लेयर 15 नंबर के लिए अनंत के पास अभी भी गेंद और अनंत ने अच्छा बॉडी डॉट दिया यहाँ पर जोनों को लेफ्ट से फेंकने के लिए पादरी को ढूंढा गेंद और पादरी और अनंत की अच्छी तालमेल क्या होगा क्या नहीं और अंतिम समय में जोनों को लेकर मार का डिफेंडिंग क्या है जबरदस्त डिफेंडिंग थोड़ा सा यहाँ पर लेट कर गए जैसे बच्चा अन्य के स्कोर देखे हुए सुना था और यहाँ पर खलबली मचाता है राइफल के पास और विवेक और राइफल की अगर बात की जाए तो दोनों चचेरा भाई ये तो यहाँ पर दुश्मन का मैच यहाँ पर खेलना पड़ेगा क्योंकि ये मैच है तो भाई आज दूसरे ग्रुप में मैच खेलता है विवेक अधिक से देखा जाए तो जो है राइफल कहीं ना कहीं समय जो है चाइना साहेब की ओर से दुलराम सिंह को इस टीम की कमान को संभाल रहे विवेक सिर का होंगे गेंद के साथ राइफल इधर से गोल कीपर ने गेंद को अपने दास्तान में बिल्कुल रखी जरूर है और यहाँ पर राइफल सिरका जैसे खिलाड़ी मौजूद है और खास रूप नजर डालेंगे कैच जी जर्सी नंबर 7 का डोगा फूर्ति ये वो खिलाड़ी रहे हैं जब जब सिंहभूम शहर खेलती है तो अरमान सिंह को। लेकिन टिकैत जी आप क्या कहना चाहेंगे जो बीते मैच में दुलराम सिंह को ने छोटी सी पूछ के साथ गोल किए थे उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। और सही मैंने देखा था उसमें से मैं नहीं था लेकिन जिस प्रकार से दुलराम सिंह को एक बड़ा टीम जो कि ओडिशा से झारखंड एक सबसे टीम को यहाँ पर टूर्नामेंट से बाहर करने में सफल जो कि दुलराम की द्वारा एक सुंदर स्कोर और इस दरमियान पादरी आ गया जाता है लेकिन अनूप ये भी कमाल का अटैकिंग किया लेकिन आज मिडफील्ड भी यहाँ पर सौंपे हुए हैं अजय जी और जिस प्रकार से देखा जाए आज आप भी इस मैच में खेल रहे थे जो कि फर्स्ट राउंड से आप थोड़ा सा मैच में तालमेल की कमी रहा जिनके वजह से आप स्कोर नहीं कर पाए लेकिन मैच अच्छा था हार जीत तो होती है उससे नहीं कतरा अगला के लिए अच्छी तैयारी करना है। और जी बिल्कुल यहाँ पर टिकैत जी एक बार गुरुवंत सिंह को ने गेंद को डाला है अभिनाश गोल के लिए यहाँ मौका बन सकता है
और एक बार दोनों खिलाड़ी को रखने के बाद राइफल छिड़का होंगे उनके साथ। और चलिए यहाँ पर एक मौका बना है कॉर्नर किक के माध्यम से, और कहीं ना कहीं आज टिका जी हम और केवल क्षेत्र हेमरम जो है फिल्म के माध्यम से युवा खेल को मौका दिए थे, और अभी तक जो है इस समय दुर्राम सिंह को, अब तक का मैच में दुर्राम सिंह को की जो है अच्छी रही। यहाँ पर एक बार जोर से किक करने की प्रयास, टिका जी अनूप गोप को डिफेंडर में रखना उचित था या फिर नहीं, क्योंकि वो स्कोर किए थे, हालांकि डिफेंडर के बाद उसको आगे दिया गया है मौका। अर्जुन फादरी छोटी गेंद यहाँ पर चलचली धूप में यहाँ पर दोगा फूर्ति गेंद के साथ, हालांकि स्कोर की ओर हम अगर नजर डालेंगे तो समांतर स्थिति पर है। और यहाँ पर लाल के द्वारा अच्छी बचाव, तो ये है लाल अरे जी के साथ साथ कमेंट्री करने का। ठीक है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद खोपरा जी के साथ भी फर्स्ट बार, और उसके साथ साथ आपके साथ भी यही बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरे, शायद भगवान का यही इरादा है जो कि आप सबों के साथ मिलने का मौका देते हुए। और बातों बातों रहते मैदान के बीचों बीच, जिनमें अगर देखा जाए टीम में अभी तक गोल रहित मैच खेलते हुए और दिशा परिवर्तन हो चुका है उत्तरी छोर पाती में जो कि चैंबसा एफ सी, और दक्षिण छोर पर इस दरमियान जो कि कश्ती को टोले के लिए दुआ की बात की जाए, जितना भी तारीफ कम पड़े, जिस समय कुल्हान यानी कुल्हान चाहिए जैसे टीम को रोकने वाली टीम, जिस समय जयपुर सिरका और ये बैद्यनाथ गोफ एक ही टीम से खेलते थे डोगालो के साथ, उस दरमियान मैच पूछी था, लेकिन अभी अपना घाव के लिए योगदान दिए हुए यहाँ पर डोगा पूर्ति। तो देखते हैं यहाँ पर जोनों को क्या करेंगे क्या नहीं, सफर ढूंढता हुआ लंबा किक के साथ के पुलिस क्या है विक्की गोप को ढूंढा, और विक्की ने यहाँ पर विवेक के लिए मौका बनता, विवेक के बाद विवेक को चकमा देने के बाद आगे जाने के प्रयास किए थे, लेकिन वहां पर डोगा जो कि बड़े बड़े टूर्नामेंट में शिरकत दे चुके हैं डोगा भी, और आज भी एक के बाद टूर्नामेंट में प्रदर्शन करता हुआ जो कि डोगा जैसे खिलाड़ी टीम के एक कमान को वो संभाले हुए हैं डोगा यहाँ पर जाने। और बिल्कुल यहाँ पर अगर डोगा पूर्ति की बात करें तो ये निश्चित तौर पर जयपाल सिरका इनके साथ एक ही स्कूल से शिक्षकों को है प्रदान किए हैं, वो स्कूल है एस पेजी मिशन स्कूल, लेकिन आज यहाँ पर राइफल सिरका और डोगा पूर्ति इस मैच की जो है कमान को संभाल चुके हैं, और इस मैच का जो संचालन कर ठाकुर गुरु जी, और एक बार मौका बनने की पहले यहाँ पर गेंद को लेने में सक्षम रहे हैं राजू गौड़, यहाँ पर राइफल सिरका गेंद छोटी सी गेंद छोटी सी पास आई है, एक बार जर्सी नंबर 9 ने गेंद को निकाला है रमेश हेमरम के समक्ष, पादरी वहां पर आए हैं जरूर सपोर्ट पर, एक बार पुनः जर्सी नंबर 4 भाई अपना मुर्मू जी मैं आपका कहावत कहना चाहूंगा, जो आपका कहावत जो है पूरी दुनिया में छाई हुई है, ना तेल ना कढ़ाई बनाने चला है मिठाई बेकार का शॉट रोकना जी, आप क्या कहेंगे शॉट के बारे में, जहां तक बात कीजिए कोशिश अच्छा था युवा खड़े का, लेकिन शॉट ऑन टारगेट नहीं रख पाए और बॉल अगर सही पोजीशन में नहीं रख पाएंगे और सीख लेना पाएंगे नीचे पर दिशा से भटक जाते हैं खिलाड़ी। अगला मैच के लिए आजाद एशियन क्लब सालीगुरु और सार्जन साइड टीम के खिलाड़ी आप टेक्निकल जोन में चलाएंगे, समय की कमी है सार्जन साइड पे ज्यादा समय का रेस्ट करने का टाइम नहीं दे पा रहे हम लोग चला पाएंगे। कल हमारे समापन दिवस है, कल सेमीफाइनल फाइनल के साथ साथ लोकल स्लॉटिंग का खेल को आप लोग देख पाएंगे, लेकिन अब तक का स्लॉटिंग कम्प्लीट नहीं हुआ, इच्छुक दल अपकमेटी मैच में सफर में रख सकते हैं। फिलहाल इस मैच को नजर डाला जाए तो चाईबासा जीते प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पिछले दो मुकाबले में जो मैच खेले थे उस तरह का खेल खुलकर खेलने का मौका नहीं छोड़े अब तक आप विपक्षी दल ने यानी काटिकुटू ने टीम के लिए जहां तक बात की जाए काफी प्रभावित किए, सभी एक ही गांव का खिलाड़ी टीम में जुड़ा हुआ है, अब जिस तरह से मेरे साथी कमेंटर अजय
और टिकायत जी ने जिक्र किए हैं कि डोकापुर जो सात नंबर जैसे में खेल रहे हैं, सिमुल से जिस बड़ी टीम से खेलते हैं और आज उनके टीम के साथ जुड़कर खेल रहे, ये एक अच्छी खेड़ की पहचान होता है। बड़ी बड़ी टूर्नामेंट चार खड़ी खेलते बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अपने गांव घर का टीम भी शामिल होता है टूर्नामेंट में तो उनके लिए भी समय देना पड़ता है, क्योंकि आप जिस क्लब में खेलता हुआ जिस गांव में पले हैं बड़े हैं उस गांव के लिए भी आपको समय देना पड़ता है। चलिए फिलहाल यहाँ पर बहुत ही साफ सुथरे खेल को खेलता हूँ तब दोनों टीम की खिलाड़ी अच्छा बोल कर फादरी के द्वारा में खिलाड़ी मौजूद है पांच बन सकते टीम के लिए मौका बना हुआ है। बोल खतरा होने की संभावना था, हालांकि कुछ समय के लिए खतरा टल चुकी है और सभी चार बॉल कॉर्नर हो चुका है, कॉर्नर के रूप में गेंद लेने का मौका मिलेगा काटीगुडो टीम के खिलाड़ी को। खतरे के बादल फिलहाल मटाएंगे चाइबासा टीम के लिए। जिया पर किक लेने के लिए फादरी दस नंबर के जैसे कमाल का स्किलफुल खेल को खेले और सभी जबर चार नंबर की खिलाड़ी फादरी के साथ अच्छे वाल फिर से चार नंबर के लिए मौका बॉल में डिफ्लेक्शन और जिस तरह से आज सी ग्रुप में गोल ज्यादा जमीन गोल नहीं हो रहा गोल भेज कम है तो धीरे धीरे सिंगुम शेर मानो फाइनल के और कदम को आगे बढ़ाना पाएंगे। जी बिल्कुल अपना जी लगभग जो है अभी तक स्कोर जो है बीते कल हमने देखा, हालांकि केटी ग्रुप की टीम की स्कोर भी खराब नहीं है लेकिन स्कोर के माध्यम से लगभग जो है अरे बोल ठीक है यहाँ पर रोकने में सक्षम। अगर अपना जी मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि इस टूर्नामेंट में 64 टीमों की मांग की थी लेकिन ये 48 टीम ने भाग ली है, इसी के माध्यम से यहाँ पर गोलों की स्कोर की जो है हम संख्या को आंक रहे हैं और पहला ग्रुप से सर्वाधिक गोल जो है जी, वो जी, थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। मैच ने बिगुट बना बजाने के लिए हौसल करने के लिए इसलिए समय लिए क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पर काटी घुटो के टीम के खिलाड़ी बॉल के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एडवांटेज जाना चाह रहे थे, हालांकि अभी खिलाड़ी पूरी तरह खड़े रह गए और जोरदार अपील करने लगा। बांग्ला में कहावत है कि जहर मुंह बोलो और बाड़ी बोलो, अगर अपील नहीं करते और एडवांटेज के साथ खेलने के प्रयास करते तो निश्चित पर उनको मेजर एडवांटेज देने का प्रयास कर रहे थे। चलिए अच्छी शॉट अभी बॉल बार बार पर आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहे काटीगुडो की टीम लेकिन अब तक सफल नहीं पाए। चाइबासा टीम के खड़े के जहां तक बात की जाए मैदान तक बात थोड़ा सा आशुष्ट नजर आ रहे हैं। चलिए अपना जी मैं यही कहना चाहूंगा चाइबासा एफसी और सिंहभूम से लगभग जो है इस समय हमारे पश्चिम सिंहभूम के साथ बन चुकी है और इस समय काटीगुडो भी काम नहीं कर रहा है जरूर लेकिन डोगापुर थी हब के प्लेयर हैं अपना जी लेकिन गोल को रोकने में समर्थ हुए हैं। यहाँ पर डोगा का बहुत ही अच्छी डिफेंस लाइन ऑपरेशन, जब भी चाइबासा की टीम आक्रमण करे डोगा शानदार बचाव कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर बॉल के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करता हुआ जारी आखिरकार कुछ त्रुटि नजर आ हमारे चपड़ी ठाकुर मुर्मू को जो डिस्पेशन से बिलोंग करते हैं अब अच्छे निर्णायक रूप में। चलिए यहाँ पर चाइबासा खिलाड़ी दांत छोर से बॉल का बढ़ाने का प्रयास करता हुआ लेकिन ज्यादा देर तक बॉल को अपने कब्जे में रखने में नाकाम रहे, बॉल आउट होता हुआ थ्रो इन का मौका चाइबासा के पक्ष में। काफी सर हमारे यूट्यूबर भी इसी टूर्नामेंट में जुड़ा हुआ है जो दर्शक हमारे प्रोग्राम के लिए समय नहीं दे पा रहे, यूट्यूब के माध्यम से भी हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से रूबरू हो जाएंगे, साथ ही साथ जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो भी अपना मैच को यूट्यूब में फिर से देख पाएंगे कहां पर मैंने गलती के इस बात को सुधार कर सकते हैं, रेफरी भी अपने पोजीशन के बारे में जानकारी ले सकते, कमेंटेटर भी अपना जो परफॉर्मेंस है उनको नापतोल कर सकते हैं। इस बात के लिए हम लोग कर सकते हैं कि यूट्यूबर का जो योगदान है खेल के प्रति बहुत बड़े योगदान है। चलिए हुक्मा जी यहाँ पर विवेक सिरका को जो है विश्राम दिया गया उसके जगह जो है खिलाड़ी को वापस बुलाया गया, आप क्या कहना चाहेंगे इस बर्ताव पर क्योंकि विवेक सिरका एक अच्छी युवा खिलाड़ी है उनके प्रति जो है खेल की संवेदनाशील है और उनके जगह सचिन बारे को बुलाया गया है। हुक्मा जी जहाँ तक अजय टीम के कोच पर निर्भर करता है किस समय किस खेल को विश्राम दो किस खेल को मैदान में बुलाओ, खेल के जगत में जहां तक बात लेते फुटबॉल में जब खिलाड़ी चोटिल होते हैं या फिजिकल रूप से
या तकनीकी रूप से खेलने में असमर्थ होते हैं, उस दौरान टीम का कोच से खिलाड़ी को चेंजिंग करते हैं। साथ ही साथ समय को बिताने का भी एक अच्छा तरीका होता है। बिल्कुल, और ओपनर में ही कहना चाहूंगा, पहली मर्तबा जमशेदपुर की टीम जो है एवन कोयल के, जो अभी आए हैं टीम के कोच एवन कोयल जी, उनके ही मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज जमशेदपुर की टीम जो है सेमीफाइनल का रास्ता को जो है